गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, चैप्टर 5 हम डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं प्लस टू में क्लास के अंदर। तो सबसे पहले डेरिवेटिव के अंदर अपने आपको फॉर्मूले आने चाहिए, तो सबसे पहले फॉर्मूले करते हैं, उसके बाद हम रूल करेंगे। फॉर्मूले रूल करने के बाद फिर अपने सवालों पर आएंगे। सबसे पहले बेसिक है, क्लास 11th में जो पढ़ा आपने, तो सबसे पहले फॉर्मूले। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब इसके कुछ केसेस हैं, केस वन में एन की वैल्यू अगर हम वन डाल दें तो डी बाई डी एक्स एक्स, या वन डालेंगे वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन, ये वन इंटू एक्स की पावर जीरो, ये वन इंटू वन वन आ जाएगा। एन की जगह इसमें अगर हम पुट कर दें, जैसे हाफ पुट कर दें, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर हाफ का मतलब रूट हो गया, तो वन बाई टू, वन बाई टू एक्स की पावर हाफ माइनस वन, यह आ गया वन बाई टू एक्स की पावर माइनस, आप नीचे ले आएंगे ना, तो ये रूट एक्स। और एन की जगह अगर माइनस वन पुट कर दें, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस वन, इसको एक्चुअल में अपने वन बाई एक्स कर लेते हैं, तो माइनस वन एक्स की वन माइनस वन, ये बन गया माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, ये हो गया माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये आपके पास सामने तीन फॉर्मूले आ गए। फॉर्मूला तो जैसे एक ही है, लेकिन इसके तीन केस ले लिए आप, इन तीनों को फॉर्मूले की तो याद रखेंगे। वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वन, सभी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल और देख लो इसका, जैसे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर सात, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे सात इंटू एक्स की पावर छः, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नंबर दो देखिए, डी बाई डी एक्स e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, यहाँ पर e इज फिक्स्ड कांस्टेंट, e क्या चीज़ है, फिक्स कांस्टेंट है ये, ठीक है। और तीसरा d बाई डी एक्स ए की पावर x, इसका होता है a की पावर x log a, ठीक है। चौथा अगर यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसी से बनाए, तो डी बाई डी एक्स ए की जगह ई डाल देते हैं यहाँ पर, तो ए की पावर एक्स लॉग ई बेस पर ई, तो ये हो गया ई की पावर एक्स इंटू वन, ये लॉग ई बेस पर ई वन होता है, तो ई की एक्स आ गया। तो चाहो तो इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना सकते हो, और यहाँ पर ए क्या अपने आप में एक रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। नंबर पाँच, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, अब ई बेस के साथ, इसका डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग ए बेस पर एक्स, इसका होता है वन बाई एक्स लॉग ई बेस पर ए, जहां ए होता है रियल नंबर, ठीक है। ए क्या होता है, रियल नंबर। हाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं। उसके बाद सेवन, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स,
डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। अरे छोटू, अरे छोटू मत कर, उधर जा। तो ये छह आपके ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव हो गए। डिफ्रेंशिएशन बोल दो, ये डेरिवेटिव एक ही बात है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ठीक है। ये छह ये हो गए, बाकी फॉर्मूले ये हो गए। इनके बाद कुछ रूल्स हैं, वो आप रूल भी समझ लीजिए। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा एक बात को ख्याल रखें, ये डी बाई डी एक्स लगाते नहीं, इसकी जगह ऐसा भी कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स को हटा के ऐसा भी कर सकते हो साइन एक्स के ऊपर डैश। डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है। डी बाई डी एक्स लगाओ या डैश लगाओ मत कर, इसका डेरिवेटिव भी देखो। फर्स्ट रूल क्या है, अगर दो फंक्शन प्लस में हो और उसका मैं डेरिवेटिव करना हो तो अलग अलग लग रहा है, डी यू अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स। डी बाई डी एक्स को दोनों पर अप्लाई कर देंगे। ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि डी बाई डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए, माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा। दूसरा है डी बाई डी एक्स यू इन टू वी, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव, ये रूल है। तीसरा डी बाई डी एक्स अगर यू अपॉन वी डिवाइड में हो तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला सेम आएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला सेम आएगा नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। v du अपॉन डी एक्स, फिर u dv अपॉन डी एक्स, dv अपॉन डी एक्स। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये दो रूल अच्छा प्लस का माइनस का ही हो गए। और नेक्स्ट रूल है चार नंबर, चेन रूल। चेन रूल, तो चेन रूल आपको अलग से बताते हैं। चेन रूल करवाने से पहले इन रूल्स के पहले आप एग्जांपल देख लो, इसके 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 एग्जांपल देख लो। तो पहला एग्जांपल देखो, जैसे ऐसा आ जाए डी बाई डी एक्स, ऐसा आ जाए एक्स की पावर तीन प्लस साइन एक्स, ये प्लस में है, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर तीन और डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स को दोनों पर अप्लाई कर दिया, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूले से, x की पावर तीन का। साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा इस फॉर्मूले से कितना हो जाएगा cos x, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये लगा दिया x की पावर n वाला, एक ये लगा दिया। अगर दूसरा देखें d बाई डी एक्स एक्स की पावर तीन इंटू साइन x आ जाए, तो पहला सेम d बाई डी एक्स करना है साइन x का, ये लगा रहा हूँ आप। u सेम v का डेरिवेटिव, v सेम u का डेरिवेटिव, प्लस लगाना है फिर साइन x सेम और d बाई डी एक्स एक्स क्यूब का, तो x क्यूब साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x, यहाँ आपका साइन x है इसका हो गया 3x स्क्वायर। थोड़ा कॉमन कॉमन देखोगे तो x स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x cos x, यहाँ बच गया 3 साइन x, बस ये आंसर आ गया। और तीन नंबर अगर करें डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स, अगर डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में आ जाए यू अपॉन वी फॉर्मेट में आ जाए, तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर लिखना है, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला सेम डेरिवेटिव करना है मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का, फिर माइनस लगाना है जरूर माइनस आएगा, फिर ऊपर वाला सेम और d by dx करना आपको नीचे वाले का, यह आ जाएगा साइन x, इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, वापस वही फॉर्मूला x क्यूब वाला, और ये आपका x क्यूब साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x, नीचे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चाहो तो बस इसमें कुछ कॉमन ले लो, x स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बचेगा आपका 3 साइन x
माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्केयर एक्स, तो ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स का। तो ये आपको रूल बता दिए मैंने, एक दो तीन, तीन रूल हो गए आपके। अब करेंगे अपने चेन रूल, क्या करेंगे, चेन रूल करेंगे। अब आता है जी चेन रूल। चेन रूल, तो चेन रूल में क्या होता है कि चेन रूल में एक फंक्शन के अंदर कई सारे फंक्शन के फॉर्मेट होते हैं। जैसे यहाँ तो एक्स क्यूब का फंक्शन था, एक साइन का फंक्शन था, वहां फंक्शन मिक्स होंगे, साइन भी होगा, एक्स क्यूब भी होगा, लॉग भी आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले एक सीक्वेंस बनाएगा, सबसे पहले फंक्शन की पावर का होता है, पावर का होने के बाद फिर बेस का होता है, फिर बेस के अंदर जो थीटा लिखा उसका होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन का बात, देखो मैं डी बाई डी एक्स साइन क्यूब, ये एक्स की पावर मान लो यहां पांच आ गई, ये आ जाए, तो सबसे पहले इस पावर का होगा, साइन की पावर का होगा, पहले इस पावर का, फिर साइन का, फिर अंदर वाले का। तो सबसे पहले इस पावर का, इस पूरे को आप एक्स मानोगे, इस पूरे को आप एक्स मानोगे, तो एक्स की पावर का क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब दो हो जाएगी। सॉरी, साइन की पावर तीन थी, तीन आगे आ गई, तीन में से कम दो गई, किसका वास पहले हुआ, एक्स की पावर एन के, इसको एक्स माना। अब फिर साइन का करना है, यही देखना बराबर, यहां मत देखना, साइन का होगा कोस, साइन एक्स का कोस एक्स, एक्स हो गया। फिर मल्टीप्लाई में करना है इस फंक्शन का, वो हो जाएगा पांच इंटू एक्स की पावर चार, तो ये बन गया पांच इंटू तीन कितना हो गया, पंद्रह एक्स की पावर चार साइन एक्स की पावर पांच कॉस एक्स की पावर पांच, ये आ गया। और एग्जांपल देखो चेन रूल का, डी बाई डी एक्स ऐसा आ जाए साइन रूट एक्स, और यहां मान लो पावर आ जाए दो, तो सबसे पहले इस पावर का होगा, तो पावर आगे आएगी और साइन एक आ जाएगा, पावर एक कम हो गई, एक्स की पावर एन का लग गया फॉर्मूला, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस, सबसे पहला फॉर्मूला। अब करना है साइन का, तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स। अब करना है इसका, रूट एक्स का होता है वन बाई टू रूट एक्स, तो दो से दो काट देते हैं, ऊपर आ जाएगा साइन रूट एक्स कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, रूट एक्स काटना नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये एंगल है। और देखो डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले इसका होगा ई, और ये जो पावर है फॉर्मेट देखा, ई की पावर इसे एक्स मान लिया। अब ऐसे नहीं करना कि इसकी वजह एक्स की पावर एन मान के कर दोगे, एक्स की पावर नहीं मानना क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो ए की पावर इसे एक्स मानना है। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव बताया था, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर आ जाएगा एक्स। फिर करना है साइन एक्स का, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। फिर करना है इसका, इसका हो जाएगा टू एक्स, तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब इसमें फंक्शन के हर एक पार्ट का डेरिवेटिव होता है। वो देखो जैसे डी बाई डी एक्स साइन लॉग टेन एक्स की पावर चार, इसका डेरिवेटिव करना है, इसमें आप समझ जाओगे सब कुछ। और यहां मान लीजिए ऐसे है, तो सबसे पहले इस पावर, इसको आप पूरे को एक्स मान लीजिए, एक्स की पावर एन, तो पावर आगे आ जाएगी थ्री साइन की पावर दो बाकी सेम लॉग टेन एक्स की पावर चार। ठीक है, सबसे पहले किसका हुआ, पावर का, हमेशा हर एक क्वेश्चन में पहले पावर देखनी है, नीचे वाले को वेरिएबल मानना है। हाँ, इस वाले केस में ये कांस्टेंट था, ये फिक्स है अपना, ये आए तो ये मान के चलना, बाकी सब में ध्यान रखना। अब करना है साइन, इसे एक्स मान लो,
तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, एक्स किसको माना है इसको, लॉग टेन एक्स की पावर चार। फिर करना है लॉग एक्स, इसका हो जाएगा वन बाई एक्स, वन बाई एक्स। फिर करना है टेन एक्स का, इसे मानेंगे अपने sec स्क्वायर x। फिर करना है इसका पावर का, x की पावर चार का, चार एक्स क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। इसमें किसका होता है देखो, पहले पहले इस पूरे को x मान लिया, x की पावर n का हो गया n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, पावर दो हो गई। फिर करना है साइन, खुद का साइन का हो गया कोस, ये पूरा x माना साइन x, तो कोस x माना पूरे को। फिर लॉग x माना इसको, तो वन बाई एक्स हो गया, लॉग इसको x माना तो वन बाई एक्स हो गया। फिर किया टेन x का sec स्क्वायर x, फिर किया x की पावर चार का फोर एक्स क्यूब, मतलब एवरी पार्ट का हुआ। अगर हम लॉग का करें तो बाकी हमारे लिए x होगा, हम टेन का करें तो बाकी आगे वाला x होगा, और साइन का करें आगे वाला x होगा, और पावर का करें तो नीचे वाला पूरा x होगा। तो फंक्शन का फॉर्मेट देखना, तो ये आपका चेन रूल था, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। एक नोट देख लो, डी बाई डी एक्स ए की पावर टेन एक्स, तो ए की पावर इसे एक्स मानना, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स, इनटू में टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर अगर रूट एक्स होता है तो यहाँ पर होता है वन बाई टू रूट एक्स, किसका, रूट एक्स का। और यहाँ एक्स की जगह पावर पाँच होती थी, यहाँ कितना होता, पाँच इंटू एक्स की पावर चार, ठीक है, इस तरीके से होता सबका। तो ये आपका चेन रूल है। तो अगर आपको ये फर्स्ट लेक्चर आई है, इसमें मैंने कोशिश ये की है कि आपको रूल फॉर्मूले आ जाए और डेरिवेटिव का बेसिक आप पकड़ जाए। अब आप सवाल करोगे तो आपको ये फॉर्मूले और रूल आपको आने चाहिए। सवाल किसी भी तरीके का हो सकता है, आपको इसका रूल पता है कि इंटू में है तो क्या करना है, डिवाइड में है तो क्या करना है, प्लस में तो क्या करना है, और फंक्शन के अंदर फंक्शन चलाए तो क्या करना है। ये तो मुख्य बातें स्टार्टिंग की, आगे और नए नए फॉर्मेट आते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज ही है। आप स्टार्टिंग यहाँ से करोगे तो फिर आगे सेकंड लेक्चर में नया बताएंगे आपको नए रूल्स का मतलब नए सवालों के टाइप। जैसे ऐसा कोई सवाल आ जाए वेरिएबल की पावर वेरिएबल, या फंक्शन नीचे पूरी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है, कई सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन ये जो है ये डेरिवेटिव सीखने का सबसे इनिशियल स्टेज है, फॉर्मूले रूल और चेन रूल। इतना अच्छे से आपको आएगा तभी हम आगे चल पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अच्छा लगे तो अपन लाइक करना और शेयर करना।